देखिए पहला जो कंपाउंड है आपका CH3Cl है भैया, तो उसके यूपी ने बताइए ठीक है। नंबर अल्फाबेट है तो कॉमा की हाइफन हाइफन यहाँ पे क्या लगाइएगा हाइफन। इस कंपाउंड का यूपिक नेम क्या हो गया 1-chloromethane। ओके नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH2Cl2 जिसको कॉमन नेम में बोलते थे मिथाइलिन क्लोराइड। अरे CH2 को मिथाइलिन बोलते थे और Cl2 को क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइलिन क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल चेन तो एक कार्बन का हो गया और वन पोजिशन पर दो क्लोरो है, इस कंपाउंड का यूपिक नेम जगह 1-1-dichloromethane। यहाँ पर 1-1-dichloromethane लिख दिए। अब बताइए नंबर है कॉमा की हाइफन कॉमा और यहाँ पर हाइफन, तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम क्या हो गया 1-1-dichloromethane। मान लीजिए सर मेरे पास अगर CHCl3 होता तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का तीन नहीं वन कार्बन का, तो इसका यूपिक नेम बताइए 1-1-trichloromethane। अब बताइए कोमा की हाइफन फिर कोमा फिर हाइफन, इसका यूपिक नेम बताइए 1-1-trichloromethane। इसको इस तरह पढ़िए रूम में 1-1-1-trichloromethane इस तरह बोलिए तो हो गया खेती फिर। अरे याद ही नहीं होगा आपको, अब वन का कोमा भी याद करना पड़ेगा तो लफड़ा है ना फिर, इस तरह कौन पड़ेगा 1-1-trichloromethane ठीक है। अब मान लीजिए सर मेरे पास CCl4 होता तो इसका यूपिक नेम क्या हो जाता 1-1-1-1 हाँ बोलिए 1-1-1 फिर tetrachloromethane। अब बताइए कोमा की हाइफन कोमा फिर हाइफन, इसका यूपिक नेम क्या हो गया 1-1-1-tetrachloromethane। तो देखिए दोस्त अब हम आपको कुछ जगह स्टोरी सुना रहे, मान लीजिए अभी भी इस जगह पे हम आए ठीक है HZB हजारीबाग जिसको आप लोग बोलते हैं, मान लीजिए कि हम और एक और मेरा दोस्त है, हम लोग क्या किए कि आए जगह पे तो रहने के लिए तो रूम तो खोजना पड़ेगा, तो हम लोग रूम खोजने के लिए निकले। जब रूम खोजने निकले तो हम लोग गए मकान मालिक के पास, तो उसके पास दो फ्लोर था और दो तल्ला बिल्डिंग था, फर्स्ट तल्ला में वो खुद रहता था, सेकेंड तल्ला में रूम रखा हुआ था। तो उसको पूछे कि क्या आपके पास रूम खाली था, बोलता हाँ खाली है, तो बोले कहाँ पे खाली, तो बोलता सेकेंड फ्लोर में। तो वो हम लोग को बोल हम लोग पूछे किस रूम में हम लोग को रहना है, तो वो बोला रूम नंबर 1। तो हम और मेरे दोस्त दोनों लोग गए सेकेंड फ्लोर में और वहाँ गए तो देखे यार एक ठो रूम में है और बोलते रूम नंबर 1 बोला जाने समझे। तो मेरा दोस्त उसको गरियाता है कि ये पागल मालिक है, एक रूम में है अब बोलते रूम नंबर 1 में रहो, समझे बात। यहाँ पर इसी तरह का मामला इस केमिस्ट्री में भी है, हम बोले ना पहले रोड वाला बात खत्म हो गया, देखिए बोर्ड वाला क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक ही जो कार्बन एक ही है, यहाँ पे एक कार्बन पे एक क्लोरो है दो क्लोरो है, तो जब मेरा रूम एक ही है सर तो कहीं ना कहीं कोई बातें ऐसी जरूरत नहीं है कि जो भी चीज जुड़ेगा वो वहीं पर जुड़ेगा ऑलरेडी, समझे। ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर अगर 2 या 3 क्लोरीन लगा रहे हैं तो 1 कार्बन से 2 कार्बन पे आ जाएगा, ऐसा होगा क्या नहीं। तो ऐसी हालातों में जब हम लोग का जनरल लाइफ में इस तरह का फुलफिल नहीं होता कंडीशन, इस तरह केमिस्ट्री में जनरली फुलफिल नहीं होता है। फिलहाल अगर आप पोजिशन नंबर दे के भी लिखिएगा सर तो कोई भी दुनिया का ताकत आपको गलत नहीं कर सकता, समझे। ये भी सही है आपका कंडीशन, लेकिन वही बात है कि रूम नंबर 1 बोल के कहेगा तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा छत पे जाने के बाद। तो ऐसी हालातों में जब आप NCERT बुक पढ़िएगा ना तो क्या किया सर, वो पोजिशन नंबर का यूज किया ही नहीं, सिर्फ एक कार्बन के लिए यूज कीजिएगा तो गलत नहीं है, समझे। लेकिन जब हम लोग NCERT पहुंचने लगे ना तो इस फॉर्मेट में पूरा नाम है ही नहीं, सिर्फ डायक्लोरोमिथेन लिखा हुआ है और आप 1-1-dichloro ध्यान रख रहे हैं। तो जब उस समय देखिएगा तो मन में खटकेगा कि अरे यार ये 1-1 लिखने बुला गया है तो पता नहीं अब हम क्या लिखे, समझे, वो महसूस ना हो पाए। तो ऐसे वाला तो आप क्या कर सकते सर कि पोजीशन नंबर को आप हटा सकते, जहां जहां पोजीशन नंबर दिए ना वहां वहां पोजीशन नंबर हटा सकते, आप इसको डायरेक्टली बोल सकते क्लोरोमीथेन, इसको डायक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं और इसको टेट्राक्लोरोमीथेन। आए बात समझ में, लिखना तो लिख लीजिए इसको। नहीं
सीधा नहीं तो बता दीजिए, लिखे ना कॉपी में। अब बताइए हम लोग का हेलोइन का कॉमन नेम खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग हेलोइन में एंट्री करने जा रहे हैं, हम लोग यूपेक नेम ऑफ हेलोइन पढ़ेंगे। हाँ बेंजीन मारे सर, हेलोइन मारे तो बेंजीन ऑफ एंट्री कर लेंगे। यूपेक नेम ऑफ हेलो एरिन। अब देखिए सर, हेलो एरिन खत्म हो गई यूपेक। अब हेलोइन पढ़ा रहे ताकि कोई एक्सरसाइज बनाना सर, इसलिए हमको हेलो एरिन मजबूर भी यहाँ पढ़ाना पड़ रहा है, वरना हम हेलो एरिन को एक तरफ पढ़ाते। अब देखिए मेरे पास आ गया हेलो एरिन। हम बोले थे सर एरिन का दूसरा नाम होता है फिन, ठीक है। एरिन का दूसरा नाम होता है फिन, और एरिन का तीसरा नाम होता है बेंजीन, और एरिन का फोर्थ नाम होता है फाइन, ठीक है। ये बताए थे हम आपको कि फोर्थ नेम क्या आपका फाइन। तो देखिए एरिन का मतलब क्या बेंजीन, बेंजीन का मतलब क्या फिन। तो हम बोले थे कि जब फिन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो बन जाएगा फिनाइल, और फिनाइल में लगा देंगे हेलोजन तो बन जाएगा फिनाइल हेलाइड। तो फिनाइल हेलाइड को भी हम बोल सकते हैं हेलो एरिन। अरे एरिन को तो बेंजीन बोल रहे ना, तो एरिन की जगह हम फिन ले रहे। अगर एरिन से हाइड्रोजन हटाएगा तो बन जाएगा एराइल, और एराइल में हेलोजन आएगा तो बन जाएगा हेलो एरिन। तो बताइए यूपे का फुल फॉर्म बताइए इससे पहले। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपे नेम। ओके, यूपे नेम लिखने का ट्रिक था प्लान, प्लान का पी क्या था? प्रिंसिपल चेन। लॉन्गेस्ट चेन की शॉर्टेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। कंटिन्यूअस चेन की डिसकंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस चेन। कार्बन का चेन की सल्फर का चेन, कार्बन का चेन। फिर था एल, एल से क्या था? लोवेस्ट लोकेट। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। फंक्शनल ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों ना रहे सर, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिएगा कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। ओके, तो जो ये जो चैप्टर है सर हेलोएरिन, हेलो हेलोजन, क्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड, ये सभी हमेशा ब्रांच से बिहेव करेंगे हमेशा, समझे। तो फिलहाल जो आएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रांच वाला कंडीशन आएगा, ठीक है सर। अब देखिए पहला जो आपका आ रहा है वो देखिए बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लग गया फ्लोरो ग्रुप। एक गाना सुनेंगे आप लोग हेलो कौन, तो बोलती मैं बोल रही हूँ तो उसी तरह हेलो, तो हेलो का मतलब फ्लोरो, देखिए ना हेलो का मतलब क्या हो गया फ्लोरो, और एरिन का मतलब क्या हो गया बेंजीन। इस कंपाउंड का यूपिक ने बताइए फ्लोरो बेंजीन, क्या हो गया फ्लोरो बेंजीन। अब देखिए कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये वन पे, तो वन फ्लोरो बेंजीन कहीं पे चल रहे हैं, प्लान का पी प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया छह कार्बन। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, ये देखिए ना वन ही पे है सर, और वन पर फ्लोरो लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं ब्रांच के रूप में वन फ्लोरो। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता था आपका रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इन सारे चीजों को लिए सिर्फ और सिर्फ बेंजीन या यूज किया गया, नहीं लिखे साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, बेंजीन दूसरा नाम भी है समझे, ये ना लिखे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी हम लोग बेंजीन। इस कंपाउंड का यूपिक नेम क्या हो गया फ्लोरो बेंजीन। अब बताइए सर ये आपका बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, इसका यूपिक नेम बताइए क्लोरो बेंजीन, यहाँ पर लिखी है क्लोरो बेंजीन। अब बताइए ये बेंजीन का रिंग है सर, और बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये फिनाइल बन गया, ये इसी को क्या बोलते थे एराइल, इसको बेंजाइल नहीं बोलेंगे, अरे बेंजाइल ये नहीं है आपका। अब देखिए इस खाली बोर्ड में लगा दिए ब्रोमो ग्रुप, और हमको लिखना है यूपेक ने, बताइए यूपेक ने ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमी नहीं होगा हाँ ब्रोमो बेंजीन। हम मान लिया सर ये बेंजीन का रिंग है और यहाँ लगा दिया आयोडो ग्रुप, बताइए आयोडो बेंजीन, नहीं आयोडीन बेंजीन नहीं,
आयोडोबेंजीन, ठीक है, ताकि आपको हेलोरक फॉर्म में लाना ना, तो हेल देखिए जिस तरह नाम है उसी तरह नाम फॉर्मेट में जोड़ दिए, तो बेंजीन के रिंग पर जब फ्लोरो ग्रुप रहेगा तो उसमें क्या बोलिएगा, फ्लोरो बेंजीन, और क्लोरो ग्रुप लगा रहेगा बेंजीन पर तो क्लोरो बेंजीन, और बेंजीन पर आयोडो ग्रुप रहेगा तो आयोडो बेंजीन, और बेंजीन पर ब्रोमो ग्रुप रहेगा तो ब्रोमो बेंजीन। ये सारा नाम हमेशा यूज करना पड़ेगा और आपको चाहिए जिसे हम चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे। देखिए इसको लिखना भी, देखिए मोबाइल के लिए आजकल बहुत कुछ झेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये बेंजीन का रिंग हो गया, ठीक है, और बेंजीन का यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन पर क्लोरो ग्रुप लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पर क्लोरो ग्रुप लगा दिए, तो अगल बगल कार्बन पर दो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है सर, तो उसके लिए कॉमन नेम में बोलते हो ऑर्थो पोजिशन, समझे, लेकिन आज तो कॉमन नेम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कॉमन नेम पढ़ा चुके हैं, कदम सीखो से विपरीत में बात करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन, सिक्स कार्बन, ऐसे लोवेस्ट लॉक है, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना था सर कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, अब नीचे से किए तो वन पर ब्रांच है और टू पर ब्रांच है, अब नीचे ऊपर नहीं बोलेंगे, हम सही तरीके से बोले जो बोलना चाहिए। देखिए ये हाथ हुआ मेरा, अगर हम ऐसे चलेंगे तो बोलेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम ऐसे चलेंगे तो बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं नंबरिंग करने, ठीक है। तो जब हम सर एंटी क्लॉक वाइज में गए तो पोजिशन नंबर वन और टू मिला, ठीक, और देखिए जब हम आप जा रहे हैं क्लॉक वाइज में, तो क्लॉक वाइज में आए सर तो पोजिशन नंबर वन और पोजिशन नंबर टू मिल रहा है, तो पोजिशन नंबर वन वन टू टू, पोजिशन नंबर तो सेम हो गया, तो प्लांट का एल में लोवेस्ट लोकेंट पता चला पोजिशनिंग नंबर सेम हो गया, मतलब लोवेस्ट लोकेंट आपका सेम है, तो जब लोकेंट सेम हो जाएगा ना तो प्लांट का ए अल्फाबेट के पास जाते हैं, तब सी एल का ब्रांच के रूप में नाम होता है क्लोरो, इसका नाम भी क्लोरो, अब पता चला यार अल्फाबेट भी सेम हो गया, तो अच्छा बात है, जब अल्फाबेट भी सेम हो गया तो आइदर ऑफ साइड क्लॉक वाइज नंबरिंग कीजिएगा तो भी सही, और एंटी क्लॉक वाइज नंबरिंग कीजिएगा तो भी सही, समझे बात। तो प्रिंसिपल चेन होगी आपका छह कार्बन का, ये होगी आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर फाइव और एक छूट गया ना, फोर फाइव सिक्स कार्बन, रिंग के अंदर भी नंबरिंग कर सकते हैं, ये आप रिंग के अंदर नहीं कीजिएगा, ठीक है, गंदा हो जाएगा, रिंग के बाहर कीजिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो वन पर क्लोरो दो पर क्लोरो है सर, यहाँ पर लिखेंगे हम वन टू डाई क्लोरो बेंजीन। जब बेंजीन के रिंग में तीन ठो पाई बोन्ड रहेगा ना तो तीन पाई बोन्ड के बाद एक सर्कल यूज किए, ये सर्कल अभी हेक्सेन मत लीजिए, जो भी सिखा सीखिए ना उस समय के बाद हम चीजें और सिखा देंगे, उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट आपको कहीं किताब में मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा वही चीज तो हम बता रहे थे पहले क्लास चालू करने से पहले वही बता रहे थे बेंजीन के बारे में, इसलिए पहले बता दिए ताकि आप थोड़ा सीख जाए, आएगा सर भगवान रोशन। देखिए नंबर नंबर है कॉमा की हाइफन, कॉमा यहाँ बोलिए नंबर अल्फाबेट हाइफन, इसका यूपीक नेम बताइए, वन टू डाइक्लोरो बेंजीन, उसको तो खोल दीजिए तो दरवाजा खोल, देखिए ये बेंजीन का रिंग है। अच्छा सर यहाँ बताइए अगर हाँ क्लोरीन क्लोरीन सेम हो गया इसकी वजह से नंबर हाँ। मतलब कर दिए इस तरह एक क्लोरीन हटा के वहाँ पे मिथाइल लगा दीजिए फिर कुछ और हाँ उस पर भी आ रहे सर उस पर भी हम आएंगे टेंशन ले लीजिए हम बहुत कुछ लेके आए आपके लिए जो भी मन में हम पूरा जब कंप्लीट पढ़ा लेंगे ना उसके बाद आपको बताइए सर हम यहाँ फंस रहे समझे आपको पहले पढ़ाने तो दीजिए पूरा देखिए अगर मान लीजिए दोनों क्लोरो ग्रुप के जगह पर सर अगर हम फ्लोरो ग्रुप लगाते तो इसका यूपीक नेम क्या हो जाता वन टू डाई फ्लोरो बेंजीन अगर ब्रोमो ग्रुप लगा देते तो वन टू डाई ब्रोमो बेंजीन और दोनों क्लोरो के जगह पर अगर आयोडो ग्रुप लगाते तो सर ये सब समझ के एक मतलब वन टू डाई आयोडो बेंजीन ये क्लियर हुआ ना अब नेक्स्ट में आ रहे मान लीजिए सर यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर क्लोरो ग्रुप तो एक क्लोरो ग्रुप वन पोजीशन पर लगा हुआ है और एक क्लोरो ग्रुप आपका फोर पोजीशन पर लगा हुआ है
तो जब दो टो ब्रांच एक वन पोजीशन पर दूसरा फोर्थ पोजीशन पर लगा रहता है ना, तो कॉमन नेम में हम लोग पैरा प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब हम पैरा बोल दिए, याद आया कुछ? यस सर। अभी ये वाला याद, पैरा पोजीशन जिसको बोलते हैं हम। आप थोड़ा सा बैठ के आप सुनते अच्छे से नहीं है। अभी बोल दिए क्या होता है। देखिए जी, एक क्लोरो ग्रुप वन पोजीशन पर है और दूसरा क्लोरो ग्रुप जब फोर पोजीशन पर रहेगा ना, वन और फोर पोजीशन पर जब दो ग्रुप लगे होते हैं तो उसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दोस्त, वो आपका पैरा प्रीफिक्स होता है। समझे? पढ़ते पैरा यानी लिखते हमेशा आसमोल पी और हाइफन। इसको नोट थोड़ा सा लिखवा देना, नोट्स लिखे आपको हम समझा देंगे बैठा के। जैसे नहीं दोस्त, अब तो देखिए दोस्त, हमको तो कॉमन नेम आज नहीं पढ़ना, हमको यूपी नेम पढ़ना है, ठीक है? देखिए जब दोनों ग्रुप सेम है, एक चीज और हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते आपको, जब दोनों ग्रुप सेम सेम रहेगा ना तो किसी को भी बार किसी को भी आप टू मान सकते हैं, आपका हमेशा सही आएगा। हाँ ठीक है, डरिएगा नहीं, आप जो चीज बता दिए वो आग मूड के मार दीजिएगा। देखिए दोनों ग्रुप सेम है, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी फोर मान सकते हैं। मान लीजिए इसको अगर वन मांगे तो ये फोर हो जाएगा, इसको वन मानिएगा तो ये आपका फोर हो जाएगा। नियम से देखिए प्रिंसिपल चेंज में एक दो तीन चार, एक वन पर क्लोरो है, एक फोर पे क्लोरो है, जिसका यूपी नेम बताइए। वन फोर, आगे बोलिए, डाई क्लोरो बेंजीन। नंबर नंबर कॉमा की हाइफन, यहाँ पर हाइफन, इस कंपाउंड का यूपी नेम क्या हो गया? यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप लगा रहा था तो वन फोर डाय ब्रोमो बेंजीन। अब ऐसे कीजिए, एक क्लोरो बेंजीन है। अरे सर हम आ रहे हैं, इतना अकबर का ही नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए सर, क्योंकि हमको सबको लेके चलना पड़ता ना। अब किसी को क्या समझ में नहीं आ रहा है, हमको सब देखना भी पड़ता है सर। इसका यूपी नेम क्या हो गया? वन फोर डाइक्लोरो बेंजीन। ये लग क्लियर हुआ ना? देखिए देखिए आप बताइए सर, प्रिंसिपल चेंज हाउ मेनी कार्बन? सिक्स कार्बन। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये हो गया आपका फर्स्ट पोजिशन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं। ये हो गया आपका सेकेंड पोजिशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पोजिशन, ये हो गया आपका सेकेंड पोजिशन। वन वन पोजिशन नंबर सेम हो गया, टू टू पोजिशन नंबर सेम हो गया। अब नंबरिंग कुछ इस, अभी किसान पोजिशन नंबर सेम हो गया, लोवेस्ट लोकेट सेम, तो अल्फाबेट तो क्लोरो का सी और नाइट्रो का ए, बताइए एबीसीडी पहले कौन आता है? सी आता है, क्लोरो का सी। तो आपको कुछ इस तरीके से नंबरिंग करना है कि क्लोरो को सी को छोटा नंबर मिल सके। तब क्लोक में जाइएगा तो वन मिलेगा, और एंटी क्लोक वाइज में जाइएगा तो टू मिलेगा। तो वन और टू में फिर छोटा नंबर कौन आ जाएगा? वन नंबर। तो आपको नंबरिंग क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करना होगा। योग आपका फर्स्ट पोजिशन, योग्य सेकेंड पोजिशन, योग्य थ्री फोर फाइव सिक्स। बताइए यूपी नेम में सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जब हम लोग लिखते हैं ब्रांच का नाम, तो वो भी अल्फाबेटिकली। तो क्लोरो पहले लिखेंगे कि नाइट्रो? पहले क्लोरो। बताइए ना, वन क्लोरो, फिर आगे बताइए टू नाइट्रो, फिर आगे बताइए बेंजीन। तो यहाँ पर लिखिए बेंजीन। अब बताइए नंबर अल्फाबेट कॉमा की हाइफन, हाइफन यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन, इस कंपाउंड का यूपी नेम क्या हो गया? वन क्लोरो टू नाइट्रो बेंजीन। अब बताइए इसमें प्रिंसिपल चेंज कितना कार्बन का? छो नहीं, छह कार्बन, ठीक है? अब बताइए नंबरिंग ऊपर से नीचे करेंगे ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे? आपको ना क्लॉकवाइज में, दोनों से नहीं हो जाएगा, अरे क्लॉकवाइज होगा, पोजीशन नंबर सेम हो गया ना। यस सर। अब क्लोरो का सी और नाइट्रो का ए, सी पहले आ रहा है, इसको वन मान, दोनों साइड से क्यों नहीं कर सकते? अरे वही तो यहाँ पे बताए, फिर बताते ना, प्रिंसिपल से छह कार्बन का हो गया, फिर लोवेस्ट लोकेन था। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। तो इसको अगर आप वन मानिएगा तो ये फोर पोजिशन हो जाएगा, इसको अगर वन मानिएगा तो ये आ जाएगा फोर।
वही तो हम भी बोल रहे हैं, मेरे बात सुनिए तो माई बाप, अगर हम इसको वन मान रहे तो ये फोर हुआ, यस सर, और अगर हम इसको वन मान रहे तो ये मेरा फोर हुआ सर, एंटी क्लॉकवाइज सर, हम इसको वन क्यों मानेंगे, अरे तुम पहले मेरा बातें सुनो, तुम जबरदस्ती इसको वन का मानेंगे, हम स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, जिस हाल में आप बैठे हैं वही हाल में बैठ के बता रहे हैं आप, समझे, हम चीजों को दोनों तरफ से बता रहे हैं कि आप इस फॉर्मूले से सोचेंगे तो क्या गलत हो सकता है। मान लीजिए कि हम ऊपर से नीचे आ रहे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे, अगर क्लॉक में जाएगा तो ये मेरा वन हुआ और उस साल में ये तो फोर हो जाएगा, और फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे, अगर एंटी क्लॉक में जाएगा तो अगर इसको हम वन मानेंगे तो ये मेरा उस अनुसार ये फोर हो जाएगा, तो अगर देखिए ये पोजिशन नंबर तो सेम हो गया, वन वन फोर फोर सेम हो गया, तो जब लोवेस्ट लॉक एंड सेम हो जाएगा सर, तो हम लोग अल्फाबेट के पास जाते हैं, समझे, तो ये क्लोरो का सी या नाइट्रो का ए, तो बताइए सी पहले आता है कि ए, पहले भी सी में सी आता है, तो पहले सी आता है, अब सी को देखेंगे छोटा नंबर सी को कैसे मिल रहा है, अगर क्लोक में कहते वन नंबर, अगर एंटी क्लोक में जाएगा चार नंबर, तो वन और चार में छोटा भी कौन आएगा, वन, इसीलिए हम लोग नंबर क्लोक वाइज डायरेक्शन से करेंगे, समझे सर, एक दो तीन चार पाँच छ, आपको इतना सोचना था, आप लोग लोवेस्ट लॉक सोचे फिर आगे बढ़ने से वही चीज सोच नहीं पा रहे, अब क्लियर हुआ तुम्हारा, चला दिमाग, देखिए मतलब सुनिए ना, हमेशा ये करने को लोग वाइज डायरेक्शन, अब देखिए सर, अगर हम क्लोरीन को पहले मेरा बात सुनो, जैसे आपने क्लोरीन को ऊपर कर देंगे नीचे, पहले जो बता रहे वो पहले क्लियर हो ना, हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है वहाँ पे, और तुमको और क्वेश्चन देंगे बनाने तक तुम सोचना, ठीक है, अरे अभी तो सिखा रहे यार, अब एक ही दिन में सब थोड़ी करा देंगे, जो सिखा रहे पहले वो तो सीखो, कल तो यही नहीं सही सीख पा रहा है, तो बताओ इसका यूपीक ने बताओ, वन क्लोरो फोर नाइट्रो बेंजीन, अब बताइए नंबर अल्फाबेट है कॉमा की हाइफन, हाइफन यहाँ पर, हाइफन यहाँ पर, हाइफन, तो इस कंपाउंड का यूपीक नेम क्या हो गया, वन क्लोरो फोर नाइट्रो बेंजीन, ओके ये किरका किरका सही आया दोनों आपको, ठीक है इतना सही है आपका, आधा सही मेरा सही है, हाँ क्या ठीक है, यार चलो इतना छोड़ देगा क्या सर, इसका अभी भी डाउट है, ये पूछ रहा ना जिस जो अभी इनको बताया ना आप, अब थोड़ा सा वेट कीजिए एक्सरसाइज हमको एंटी कीजिए ना, अरे भाई एक दिन में कहीं सीख पाइए, आपको कन्फ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो, इतना कॉन्सेप्ट है, अब खाली मेरा बात को सुनते रहिए, अरे क्या बोले बीचों बात नहीं करेगा रखना, दो चीज हमेशा ख्याल रखना, क्लास में हल्ला नहीं करना, और दूसरा है कि कुछ ऐसा ना बोलना कि लड़की लोगों को खराब करना, हाँ नहीं ये चीज ध्यान रखना, हम दोनों मैटर में जो हर एक दिन हम बहुत सीरियस रहते हैं, धोते रहते हैं जो भी मुंह में आते, सच्ची मजबूरी है दोस्तों, ये दो कंडीशन पीछे हम बहुत सीरियस है दोनों भाई, सर जो डाउट रहे वो क्लियर कर सकते, डाउट हाँ या तुम आंख मूंद के डाउट कैसे भी कर सकते, कैसे भी हम तो बोले ना हम आपके लिए हैं, इसको डरना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे इसका यूपी नेम बताइए, क्लोरो बेंजीन, हम मान लीजिए सर ऑर्थो पोजीशन पर लग गया सल्फोनिक एसिड, इसका बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है, कितने कार्बन का है, सिक्स कार्बन, अब बताइए नंबरिंग हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आप बोल रहे हैं, किनको किनको लग रहा है कि क्लोके वाइज होगा, सभी को महसूस हो रहा है, बहुत सुंदर सर महसूस हो रहा है, सुनिए ना हम लोग कह रहे हैं यही तो बचा है ना, इसमें बताइएगा तुम बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ क्लोरो ग्रुप, ये कौन सा बेंजीन हो गया, क्लोरो बेंजीन, मान लिया पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, बताइए इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, क्लॉकवाइज, इसी को अपन मान रहे हैं, अच्छा ठीक है, और सर एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो इसको सल्फोनिक वन मान लिया, हाँ मतलब अब हमारे पसंद, देखिए
एक क्लोरो ग्रुप है सर, एक सल्फोनिक एसिड है। क्लोरो ग्रुप तो बोलता है कि यार हम हमेशा तो ब्रांच ये सब बिहेव करते हैं, मेरा तो टेंशन ही मत लो। अब आप यह सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं यार जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो सीनियरिटी ऑर्डर है ना, सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप वन पोजिशन पर, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, समझे। ये जो हेलोजन है वो 15वां सल्फोन के रेंज में आता है, तो बहुत ज्यादा नीचे होने की वजह से ये फंक्शनल ग्रुप ये भी है, समझे। बहुत ज्यादा नीचे होने की वजह से जूनियर, बहुत ही जूनियर होने की वजह से ये बोलता है यार इतने ही जूनियर ही है मैं ना, तो सबको हमको ब्रांचे के रूप में हमेशा कंसिडर करने लगा, मतलब हम है ही फंक्शनल ग्रुप, लेकिन बहुत ज्यादा जूनियर होने की वजह से हमको क्या माना जा रहा है, ब्रांच हमेशा की, समझे। अब देखिए सर, एक ब्रांच है एक है फंक्शनल ग्रुप। हम बताए थे आपको कि प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन का एल से लोवेस्ट लोकेट, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है सर कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके, समझे। अगर आप इसको मान रहे हैं तो आप फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बोर्ड तब ब्रांच है, फंक्शनल ग्रुप पहले है तो इस पर फोकस करना पड़ेगा हमको, समझे। फर्स्ट पोजिशन आपको इसको मानना पड़ेगा, देखिए ना, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन इनिशियल कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन रिफरेंस पॉइंट। तो देखिए इतना तक चीज बोलना पड़ता है यार, ये सब चीज यूज होता है बुक में, इसलिए मैं आपको सारा चीज बोल दूँ। आप हो सकते किस टीचर से सीनियर कार्बन सुने होंगे, कोई इनिशियल कार्बन बोलते हैं, कोई सीनियरिटी कार्बन बोल देते हैं, कोई प्रायोरिटी कार्बन बोल देते हैं, तो सब सही है, समझे। अब देखिए सर, इसको वन माने तो ये क्या होगा, पक्का टू होगा। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, इसको अगर फर्स्ट मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर। इसको वन क्यों माने, ये क्लियर हुआ सर। हाँ वंस मोर करते ना, हम बोल रहे हैं सर कि फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप का होता है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो छोटा नंबर वन नहीं मिला सर, अगर आप इसको वन मानेंगे तो एक टू मिल जाएगा, किंतु गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बोले थे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखिएगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखिएगा, तब ब्रांच देखिएगा, समझे। तो आप लोग क्या किए कि देखिए वहां की चलो वन वन था वन क्लोरो, दिमाग वही सेट हो गया, उसी पे घुमा दिए आप, नहीं से पहले ब्रांच सर वही ब्रांच ही बोल रहे हैं, क्लोरो ब्रांच ही, आप उसी को देखिए पहले, तो वो नहीं देखना था आपको यहाँ पर। आप इसलिए सारा चीज लेके चले, सुनिए सर, हम पहले कहीं बोले बार बार फंक्शनल ग्रुप की मल्टीपल बॉन्ड की सब चुए, तो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट कराना है, अगर ये कॉन्सेप्ट गलती भी सेट करके तो आप नहीं पहुंचे बना पाएंगे मेरे दोस्त। हम आपको 10 में रूल नहीं लिखाए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि जब 10-10 को रूल रहता है तो बच्चों को टीचरों को गलिया गिरा रहता है, ये 10 को रूल लिखा दिया पहचान वो हिलगुन करता है, समझे। तो उसी चीज़ को हम स्टूडेंट का तकलीफ दे के जो खोज निकाल दिए प्लान, तब हम प्लान बनाए, समझे। प्लान लॉन्च नहीं किए थे, प्लान हम मेहनत से बनाए अपनी मेहनत से, 10 रूल तो उसी में छुपल है। अब देखिए दोस्त, ये तो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये क्या बन गया आपका ब्रांच, तो बताइए इसका नाम टू पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो। यहाँ पर लिखिए सर टू क्लोरो, मेन चेन तो बेंजीन है, यहाँ पर लिख देंगे बेंजीन, और ये मेरा सल्फोनिक एसिड है, तो सी डब्ल्यू एच को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना, उसी तरह SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। सर ये पहली बार आपके आंखों के सामने आया हुआ, तो SO3H है, तो यहाँ पे देखिए विदाउट गेप सल्फोनिक एसिड। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा सर, हम हमेशा बोलते हैं कि बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गेप होता है, तो उसी तरह सल्फोनिक और एसिड के बीच थोड़ा सा गेप हमेशा देना आप सर, नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक देखते होंगे आप लोग, कार्बोक्सिलिक और एसिड के बीच थोड़ा सा गेप देखेंगे बचपन से आपको, उसी तरह गेप आपको यहाँ देना है। नंबर अल्फाबेट है, बताइए कॉमा की हाइफन, हाइफन इस कंपाउंड का यौगिक नाम क्या हो गया, टू क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जितना नाम लिखा है ये नाम कभी ना भूलिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड हम लोग बोलते हैं ना, हाँ हाँ, उसको पूरा लिखेंगे सर, उसके लिए सब कुछ कंडीशन है, समझे। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का दो कंडीशन है दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड ना कभी कभी ब्रांच बन जाता है, ये तो सबसे टॉप वन में ये सबसे ज्यादा सीनियर है, इसके कंपेयर में दूसरा कोई है भी नहीं,
कि ये ब्रांच कैसे बन जाएगा सर, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको सर, समझिए। हम आपको कार्बोलिक एसिड पढ़ाएंगे ना, तो ब्रांच के जैसे बिहेव करता तो उसका नाम कार्बोक्सी हो जाता है, समझे। इसी का नाम के अंत में ओइक एसिड भी लिखते हैं, और जब तीन से अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी कंपाउंड में आता है ना, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, समझे। तो सही समय आने पर सब चीजें सिखाई जाएगी, पहले जो भी सिखा रहे वो चीज सीखिए, ठीक। SO3H का नाम है सर, जब ये ब्रांच किससे बिहेव करेंगे तो इसका नाम होता है सल्फो, समझे। ये भी ब्रांच कहाँ है, ये तो मेन है, दोनों सिमिलर यही है ना सर, इसलिए इसका नाम पूरा लिखा है सल्फोनिक एसिड। इसका नाम बताइए, फोर पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो यहाँ पर लिख दिए फोर क्लोरो, आगे बोलिए, हाँ फिर बेंजीन, बेंजीन क्या आगे, इसका नाम बताइए, बोल नहीं दीजिएगा यहाँ पर पोजीशन नंबर, ठीक है, बोलिए सल्फोनिक एसिड सर। तो इसका पोजीशन नंबर यूज नहीं होगा क्या, दे सकते थे सर, समझे। इससे रिंग वाला कंडीशन है, रिंग वाला हम बोलते चाहे था पोजीशन नंबर तरीके से ना कीजिए, देखिए बेंजीन का तो पूरा नाम हो गया साइक्लोहेक्सा-1,3,5-ट्राइन, तब इतना नाम तो नहीं लिख रहे हैं, तो इसका क्या, तो बेंजीन वाला जब केस रहेगा सर, बेंजीन वाला केस थोड़ा सा जो ब्रांच जो रहेगा ब्रांच वाला में आपको सिर्फ देना पोजीशन नंबर, ठीक है। जब बेंजीन के रूम पे अल्कोहल आता है तो उसको फिनोल बोलते हैं, तो फिनोल में अल्कोहल का पोजीशन, देखिए ये बेंजीन हो गया, अब बेंजीन के रूम पे अल्कोहल लगा है, इसका नाम होता है फिनोल, ये तो मेरा अल्कोहल है, इसका पोजीशन वन है, तो हमको वन ओल तो लिखना पड़ता सर, कहीं लिख भी नहीं किए। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड है सर, उसका नाम इस थोड़ा सा ध्यान से सावधानीपूर्वक थोड़ा लिखना पड़ेगा, समझे। कितना क्लियर हुआ, क्या बोले सर, मैं आपको ये नंबर अल्फाबेट है, बताइए कॉमा की हाइफन, हाइफन इस कंपाउंड का यूपीक नेम क्या हो गया, 4-chlorobenzene-sulfonic acid, ठीक है, दोनों कंपाउंड, और होमवर्क दे रहे हैं आपको, डाउट बोलिए ना, देखिए आपको बताइए, आपको प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन, पेयर से लोवेस्ट लॉक है, नामरी कुछ इस तरीके का ना कि ब्रांच को छोटा ना ले सके, पर दोनों तो ब्रांच है, अगर दोनों सेम ग्रुप होता तो आइदर ऑफ साइड नामरी कर देते, ठीक है सर। देखिए दोनों आपका ग्रुप अलग अलग है, सोचना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए क्लॉकवाइज में गए सर तो 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, अगर हम एंटी क्लॉक में जाते हैं तो ये 1 पर मिथाइल और 2 पर क्लोरो आ जाते हैं, तो पोजिशन नंबर 1 और 2 सेम होगा, पोजिशन नंबर तो खत्म हो गया, मतलब लोएस्ट लोकेशन से काम नहीं बना लेता, तब उन लोग अल्फाबेट के पास जाते हैं, तो मिथाइल का एम और क्लोरो का सी, तो पहले कौन आता है, क्लोरो का सी, तो ऊपर से गए तो 1 नंबर पर क्लोरो है, और नीचे से जा रहे तो 2 नंबर पर क्लोरो है, 1 और 2 में छोटा नंबर कौन है, 1 नंबर, इसीलिए हम लोग नंबरिंग क्या करेंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, समझे। योग्य फर्स्ट पोजिशन, योग्य सेकेंड पोजिशन, इसी तरह आपको सोचना था, समझे सर, ऐसे नहीं कि दे दिए तो कहीं भी 1 मान लिए, कहीं भी 2 मान लिए, बना लिया, बताइए इसको क्या मानेंगे, 1, और ये क्या हो गया 4, इसे नाम बताइए, हाँ हाँ सब कोई बोलिए, 1-chloro-2-methyl-benzene, 4, 2, अब बताइए कोमा की हाइफन, हाइफन यहाँ पर, हाइफन यहाँ पर, हाइफन, तो इस कंपाउंड का यूपीक नेम क्या हो गया, 1-chloro-2-methyl-benzene, देखिए ना हम लिखे सो फर्स्ट कैपिटल बाकी सारा स्मॉल, अब बताइए सर इसका यूपीक नेम बताइए, 1-chloro, फिर आगे बोलिए 4-methyl, इसके आगे बोलिए बेंजीन, अब बताइए सर नंबर अल्फाबेट कॉमा की हाइफन, हाइफन और यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन, एक चीज और ध्यान रखिएगा सर, किसी भी एक कंपाउंड का जो यूपीक नेम है ना हमेशा एक ही होता है, हमेशा जो इंडिया का बच्चा इस कंपाउंड को यूपीक नेम पढ़ रहा है वो अमेरिका का भी यही पढ़ेगा, किसी भी धरती में कोई भी इंसान यही पढ़ेगा, यूपीक नेम पढ़ेगा तो इस कंपाउंड, एक्सेप्शनली कभी कभी कोई कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से उसका 2 भी नाम आ जाता है, तो एनसीईआरटी बुक में ये नाम आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन साइटेड बुक जो होते हैं उसमें है ना, समझे। देखिए एनसीईआरटी में क्या नाम यूज किया गया आपको, इसका दूसरा नाम भी लिखा देते हैं, इसका दूसरा नाम, ठीक है दोस्त,
हम आपको बताए थे कि जब बेंजीन के रिंग पर मिथाइल ग्रुप होता है ना, बेंजीन के रिंग पर जब मिथाइल ग्रुप होता है ना, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है गोलू मोलू टोलू, टोलविन बोले थे इसका नाम, क्या बोले थे? टोलविन। देखिए ना, बेंजीन के रिंग पर मिथाइल ग्रुप है, ये क्या बन गया? टोलविन। ये टोलविन बन गया, ये फेमस कंपाउंड है, फिर ये टोलविन बन गया। तो सर ऐसे वाला तो मेरी टोलविन है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ऐसे क्या मानेंगे? टू। तो इसका नाम है टू क्लोरो टोलविन। अब हम क्या बोले, अब समझ रहे ना, जो बात फर्स्ट होता है तो रूल के अनुसार बताए, रूल के अनुसार ये, ठीक है। और ये जो तरीका वो फेमस कंपाउंड के तरीका पे, क्या लोग जानते हैं टोलविन मेरा फेमस कंपाउंड, ये अगर टोलविन फेमस है तो टोलविन का मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप से बाबा कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन हमेशा लेना पड़ेगा हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे अला तुम्हें टू कार्बन, ये हो जाएगा टू क्लोरो टोलविन। तो एनसीईआरटी बुक पे ये लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा आपका ये वन हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर, तो जाएगा फोर क्लोरो टोलविन। आया क्या बोले सो? इस कंपाउंड का एक और फेमस नाम हो जाएगा आपका टू क्लोरो टोलविन। नंबर अल्फाबेट क्या दीजिएगा? हाइफन। और इसका क्या हो जाएगा एक और नाम? फोर क्लोरो टोलविन। हाँ सर, यही तो खूबसूरत है ना, सही बोले आप, टोलविन है सब कॉमन नेम है, उसको यूपी नेम में इजाजत नहीं था यूज करने का। नहीं देखिए, देखिए वो गांव घर में किसी भी इंसान का नाम अगर बहुत फेमस होता है तो उसी का नाम देख के किसी का माँ बाप उसी का नाम रख देता है, तो ऐसी हालत तो यहाँ भी यही होगी। टोलविन बहुत ही ज्यादा फेमस कंपाउंड है, समझे, हमेशा यूज होता है ये टोलविन। आपको पहली बार आया ना, आज के बाद कई बार आएगा ये टोलविन, समझे। तो फेमस कंपाउंड होने की वजह से सर इसको कॉमन यूपेक नेम है ना, उसको एडॉप्ट कर लिया, समझे, उसको मान्यता दे दी कि आप इसे यूपेक नेम में उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो रूल के अनुसार सर ये सही है 100%, ठीक है। लेकिन रूल के अनुसार ना होते हुए भी ये भी सही है, ये रूल के अनुसार नहीं बनाए। अब ये क्लियर हुआ ना, नंबरिंग कर सकते लेकिन जो, लेकिन प्रिंसिपल चेयर कितना कार्बन का हो गया? छह कार्बन का, ठीक है। अरे छह बोलिए, छह बोलिए, प्रिंसिपल चेयर हाउ मेनी कार्बन? सिक्स कार्बन। अब बताइए नंबरिंग क्लॉक वाइज डायरेक्शन जाएंगे कि एंटी क्लॉक में? क्लॉक वाइज में ऐसे जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, फोर्थ पोजिशन, फाइव बोलिए, सिक्स पोजिशन। सी एल को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? क्लोरो। सीएल को क्या बोलते हैं दोस्त? क्लोरो। और एक कार्बन के लिए रूट वर्ड नीट और खाली बॉन्ड के लिए वाई है। अरे भाई अगर ऐसे रहता था तो एक कार्बन के लिए मीट, खाली बॉन्ड के लिए वाई है। तो एक कार्बन के लिए मीट, खाली बॉन्ड के लिए वाई है, या मिथाइल मत लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा? मिथाइल। ये इसका नाम हो गया आपका क्लोरो मिथाइल, ठीक है। तो वन पे सबसे पहले ब्रांच का नाम, तो वन पर क्या है? क्लोरो मिथाइल। यहाँ पर लिखेंगे दोस्त वन क्लोरो मिथाइल, और ये आपका बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर लिख देंगे सर बेंजीन। अब देख कॉमा की हाइफन, हाइफन, इस कंपाउंड का यूपिक में क्या हो गया? वन क्लोरो मिथाइल बेंजीन। लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये नाम है ही नहीं। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या नाम है इसमें, देखिए दोस्तों एनसीईआरटी में क्या किया इसमें, हम सबसे पहले प्रिंसिपल चेन खोजते थे, तो एनसीईआरटी बुक है से बोलते हैं कि हमको इस सब फोकस नहीं है, वो बोलते हैं ना कि हमें ना सो घर हम उस रास्ते से ज्यादा पसंद करते हैं जिधर ज्यादा होटलें मिले। मान लिया एक पेयर रखे, अगर दो होटल मिला तो वहीं रुक जाएंगे, छह हमको छह कदम जाने में तो और होटल कहीं ना मिले, उस सब तो नहीं सोचेंगे, फर्स्ट टाइम अगर दो मिल गया तो आराम से रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे थे, अगर आप प्रिंसिपल चेन बेंजीन को लीजिएगा सर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ब्रांच मिलेगा। अगर आप ओपन चेन को लीजिएगा प्रिंसिपल चेन, तो दो ब्रांच मिल जाएगा, समझे। तो कभी कभी बुक में कुछ ऐसा भी रूल्स है कि सर चलिएगा कुछ इस तरीके से ज्यादा ब्रांच आपको मिल सके। हम लोग उस रास्ते से जाएंगे जिधर से ज्यादा होटल मिले, तो केमिस्ट्री बदलता है,
हम उसको प्रिंसिपल चेन लेंगे जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा ब्रांच मिल जाए। ऐसे आप क्यों ना ही प्रिंसिपल चेन आपको छोटा ही हो जाए, समझे। तो सेकेंड तरीका जो एनसीईआरटी फॉलो किया सर, इसी को मान लिया प्रिंसिपल चेन, ये दोनों चल गया आपका ब्रांच के रूप में। तो सी एल को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं, क्लोरो। देखिए ये तो सर आपका बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन से हाइड्रोजन हटाइएगा तो क्या बन जाएगा, फिनाइल बन जाएगा। ये तो बेंजाइल नहीं बोले, ये फिनाइल बन गया। ये भी इसका नाम क्या हो गया आपका, फिनाइल। यहाँ पर लिखिए सर फिनाइल। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, वो भी अल्फाबेटिकली। तो क्लोरो का सी, फिनाइल का पी, तो बताइए कौन आता है, क्लोरो। फिर क्या गया, फिनाइल। तो वन क्लोरो वन फिनाइल मीथेन। ये जो वन पोजिशन है सर, तो एनसीईआरटी में क्या किया, क्लोरो फिनाइल मीथेन लिख दिया। हम बताए थे आपको जब प्रिंसिपल चेन एक कार्बन करेगा तो पोजिशन नंबर दिखाना उतना भी सही नहीं है, सिर्फ दिखाइएगा तो गलत नहीं होगा। पहले लाल है सो आप नहीं दिखाइए, ओके। इसका एक और नाम क्या था, क्लोरोफिनाइल मेथेन। इसका नेक्स्ट नाम हो गया आपका क्लोरोफिनाइल मेथेन। ये दोनों में सबसे ज्यादा करेक्ट की बात क्या है, तो ये रूल के अनुसार, समझे। ये भी रूल में ही है, लेकिन ये सो फिर सबसे वो प्रिंसिपल चेन कौन आता है, ये प्रिंसिपल चेन वाला मेटर में गया ही नहीं। अगर प्रिंसिपल चेन के मेटर आता तो इसी को बेंजीन लेना पड़ता चेन, समझे। ये क्या किया, प्रिंसिपल चेन गया नहीं, ये लोवेस्ट लोकेट में एंट्री कर दिया और लोवेस्ट लोकेट में ब्रांच के पास गया, और बोलते ब्रांच को कि ब्रांच कि हम कुछ इस तरीके से चेन लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचें हमको मिल सके। मतलब हम लोग का वो फॉर्मेट वो लेके नहीं चला, समझे। हम लोग जो फॉर्मेट लेके चला ये है, समझे सर। ये थोड़ा सा एक स्टेप अपने से जबरदस्ती बढ़ गया, प्लान का पी देखना भूल गया वो, तो उस हालात से सोचिए कॉन्सेप्ट से, तो ये गलत तरीके से सोचा है। तो फिलहाल एनसीईआरटी फॉलो किया तो ध्यान देना पड़ेगा ना सर, फॉलो किया तो सही किया, अरे फॉलो किया सही किया तो क्यों सही है।